पहला प्रकाश उत्सव आ गुरु महाराज का प्रकाश इतने गुरु ग्रंथ साहब का किया इतने हरिमंदर साहब के गुरु अमृतसर दर्शन करना आया बड़ा अलौकिक दृश्य वेखन मिल रहा बड़ी खुशी हुई आ संगत लखा की दुनिया अपने तादाद संगत दर्शन कर रही ने गुरु महाराज का नाम ला रही ने संगत ने बहुत उपराला किया कमेटी ने बहुत वधिया सजावट की दूरों दूरों लोग दर्शन मेला कर आते हैं गुरबास प्रकाश है महाराज का लख लख सारे बधाई देने गुरु महाराज सारे उपर अपनी कृपा बख्शन सारे जिन्हें भी संगत का दर्शन करना आई है सारे के दर्शन चंगे भले हो सारे ने तरीके दर्शन करके जा सत श्रीकाल जी रोजाना स्पोक्समैन देख रहे हो तुसी ते इस वक्त मौजूद हाँ सचखंड श्री हरिमंदर साहब के विखे जिथे कि गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा अज पूरी श्रद्धा के उत्साह के नाल मनाया जा रहा है। तुम देख रहे हो कि वड्डी गिनती दे विच सिख संगतां जिहड़ियां ने और नतमस्तक होने पहुँचियां ने। इस तों इलावा जे गल की जाए तो सचखंड श्री हरिमंदर साहब अते अकाल तख्त साहब नूं खूबसूरत फुलां दे नाल सजाया गया तकरीबन 30 किस्म के फुल जिहड़े ने सजावट लिए वरते गए हैं। इस तो इलावा 180 के करीब कारीगर जिन्हों वालों इन फुलों की सजावट किया गया जिवें तस्वीर तुहाड़ा साझियां कर रहे कि वड्डी गिनती दे विच सिख संगत जिहड़ी है इस वक्त सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लिए पहुंची है। तस्वीर स्पोक्समैन तो तुहाड़े नाल साझियां कर रहे हैं कि अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश उत्सव पूरी श्रद्धा के उत्साह के नाल सिख संगतों वालों मनाया जा रहा है। देशों तो नहीं विदेशों तो भी संगत जिहड़ियां ने वड्डी गिनती दे विच सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लिए पहुंचियां ने। जे गल की जाए तो अज के दिन ही शहीदां दे सरताज श्री गुरु अर्जन देव जी वालों जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे किया गया सी भट्टां गुरुआं अते भगतां दी बाणी नूं जिहड़ा वो गुरद्वारा रामसर विखे भाई गुरदास जी अते होर जिहड़े उन्हां जिहड़े लेखक सीगे उन्हां दे कोलों गुरु ग्रंथ साहब दे रूप दे विच लिखवा के जिहड़ा वो पहला प्रकाश जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी दे गुरु ग्रंथ साहब जी का सचखंड श्री हरिमंदर साहब दे विच कीता गया सी। जे गल की जाए तो गुरद्वारा रामसर साहब तो जिहड़ा उदों एक नगर कीर्तन के रूप के महाराज की भीड़ जिहड़ी आ गुरु ग्रंथ साहब विखे लियांदी गई तो इत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया गया जिवें देख रहे हो कि फुलां दे नाल खूबसूरत सजावट जिहड़ी आ की गई आ सचखंड श्री हरिमंदर साहब के आसे पासे भी फुल जिहड़े लगाए गए ने देशों विदेशों तो फुल जिहड़े मंगाए गए ने बैंकॉक हॉलैंड थाईलैंड तो बाहरों जिहड़ी इन्हां फुलां दी जिहड़ी आ आमद करवाई गई है तो नाल ही देश के कोने कोने तो जिहड़े फुल मंगवाए गए ने। तस्वीरां तुहाड़े नाल साझियां कर रहे हैं जिवें तुसीं देख रहे हो कि अकाल तख्त साहब नूं भी खूबसूरत फुलों के नाल सजाया गया और संगतां दा ठाठा मारदा इकट्ठ जिहड़ा इस वक्त नज़र आ रहा वड्डी गिनती दे विच सिख श्रद्धालु जिहड़े ने वो इत्थे पहुँचे हुए ने जिहड़े सिख श्रद्धालु पहुँचे ने या होर संगत पहुँची है वो नाल भी गलबात करांगे पर फिलहाल जिहड़ा सचखंड श्री हरिमंदर साहब आ समूह धर्मां दा सांझा है क्योंकि चार गेट रखे गए ने गुरु रामदास जी वालों चार गेट रखे गए सीगे कि हर धर्म का जिहड़ा व्यक्ति आ इत्थे आ के महाराज अगे नतमस्तक हो सकता ते खुशियां दे नाल अपनियां झोलियां भर सकता किसी भी जात पात या धर्म का इस द्वार दे नाल कोई भी लेना देना नहीं। जिवें कि तुसीं देखदे हो कि हर रोज़ लखां श्रद्धालु जिहड़े ने वो सचखंड श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक होने लई वड्डी गिनती दे विच अमृतसर साहब पुजदे ने और सवेरे 6 बजे तो ही जी संगतां दी आमद शुरू हो गई सी जिहड़े बाहरों संगत आई है वह रात ही आके इत्थे बैठी है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों ढुकवें प्रबंध जिहड़े ने वो किए गए ने चाहे लंगर की गल हो संगतां दी रिहायश की गल हो ढुकवें प्रबंध श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किए गए रहे। सो तस्वीर तुहाड़े नाल इस वक्त साझियां कर रहे हैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब की परिक्रमा दी जिथे कि वड्डी गिनती दे विच सिख श्रद्धालु जिहड़े ने वो पहुँचे हुए ने हर धर्म के लोग जिहड़े ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लई आउंदे ने और सब तो वड्डी गल कि खूबसूरत फुलां दे नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब की जिहड़ी सजावट की गई है 180 के करीब कारीगर लगे सन जिन्हां वालों ये सारा सजावट की गई और 30 तो वध किस्म के फुल जिहड़े ने वो वरते गए ने के शर्मा जिहड़े ने उन्हां वालों जिहड़ी सारी सेवा करवाई गई है। जेकर गल करां तां पिछली बार भी उन्हां वालों ही जिहड़ी आ ये सेवा करवाई गई सी जिवें तुसीं देख रहे हो कि किस तरह खूबसूरत फुलां दी सजावट जिहड़ी नज़र आ रही है देशों विदेशों तो ये जिहड़े फुल मंगवाए ने गलबात भी करांगे जिहड़े इत्थे सिख श्रद्धालु मौजूद ने। हाँ जी की नाम है? मैं रणबीर सिंह रंधावा जी अमृतसर जी। किहड़ी जगह तो? मैं अमृतसर ही रहिंदा जी। वैसे मेरा अपना फतेहगढ़ चूड़ियां लागे पिंड काला अफगाना
और मैं इतने 25 साल तो रह रहा वहाँ इतने अमृतसर के जिम्मे कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों पहला प्रकाश उत्सव जो गुरु ग्रंथ साहब का मनाया जा रहा खूबसूरत फुलों की सजावट की गई की कहना चाहो बहुत वधिया जी बड़ा अलौकिक दृश्य आ ते काफ़ी वधिया पिछले सालों तो देखने च मिल रहा कि बहुत पवित्र दिहाड़ा बहुत महान दिहाड़ा गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश उत्सव आ गुरु महाराज का प्रकाश इतने गुरु ग्रंथ साहब का किया इतने हरिमंदर साहब के गुरु अमृतसर के बड़ी वही अपना पिछोकड़ा बहुत वधिया धार्मिक इतिहासिक जड़ा वा एक बड़ा वधिया अपना समा सीगा जो इतने बा बुढ़ा साहब जी ने इतने यदा प्रकाश किया और मुख वाक लिया पहला और असं भी रंधावे हाँ जी बा बुढ़ा साहब का अं अंश चो अं कोटन कोट धनवाद कर आए हाँ दर्शन कर आए हाँ बड़ा अलौकिक दृश्य वेखन मिल रहा बड़ी खुशी हुई है संगत लखा की दुनिया अपने इतदाद संगत दर्शन कर दिया ने गुरु महाराज का नाम ला रही ने जपन दिया ने मिठाइया वरतिया जा रही ने बहुत वधिया आनंद बने वाला जी बहुत खुशी है हाँ जी बुजुर्गो ता नाम जी मेरा नाम गुरपाल सिंह है जी कि जगह तो आयो मैं सियाटे रहना जी हवा 40-42 साल का जिला मेरा गुरदासपुर लौकिक नज़ारा बुजुर्गो नज़र आ रहा खूबसूरत फुलों की सजावट जी है वो की गई है अब गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश उत्सव है की कहना चाहोगे संगत को ये संगत ने बहुत उपराला किया कमेटी ने बहुत वधिया फुलों की सजावट की है दूरों दे लोग दर्शन मेला कर आते हैं मेला गुरपास प्रकाश है महाराज का लख लख सारे बधाई दें वगजे खालसा वगत जी बिल्कुल जी देखा सिख संगत के नाल गलबात की जिन्हों का कहना है कि वड्डी गिनती दे विच इस वक्त सिख श्रद्धालु जिहड़े ने सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लई पहुँचे हुए हैं जिवें कि तुसीं परिक्रमा दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल सांझीआं कर रहे हैं कि वड्डी गिनती दे विच संगतां पहुँचीआं ने इस तो इलावा जे गल करां तो एक बार फिर अपने दर्शकों को दस देवां कि करीब जिहड़े ने हरेक कोने नूं सचखंड श्री हरिमंदर साहब के हरेक कोने नूं अकाल तख्त साहब के हरेक कोने नूं खूबसूरत फुलां दे नाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सुचजे ढंग दे नाल सजाया गया वड्डी गिनती विच लोग जिहड़े ने ओह पहुंचे ने होर सिख संगत नाल भी गलबात करन दी कोशिश करांगे पर फिलहाल तां दिखा रहे हैं परिक्रमा कि किस तरह के नाल जिहड़ा ओह खूबसूरत नज़ारा जिहड़ा देखण नूं मिल रहा फुलां दी जिहड़ी आ खूबसूरत सजावट की गई आ और लोग जिहड़े ने देशों विदेशों तो चल के सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक होने लई उचेचे तौर पर पहुँचे ने तस्वीरां तुहाडे नाल सांझीआं कर रहे हैं सचखंड श्री हरिमंदर साहब तो परिक्रमा दियां जिथे कि तुसीं देख रहे हो वड्डी गिनती दे विच संगत जिहड़ी आ नतमस्तक होण लई सचखंड साहब पहुंची है गलबात भी करांगे हाँ जी भाजी की नाम जी सुखमन सुखमन जी किहड़ी जगह तो आए चंडीगढ़ तो खूबसूरत तरीके दे नाल फुलां दे नाल सचखंड साहब नूं सजाया गया अज कोना कोना जिहड़ा सजाया गया की कहना चाहोगे बिल्कुल बहुत वधिया सजावट कीती इत्थे महाराज दे गुरपुरब अज ते बहुत अच्छा दृश्य साडे सामने ते सारे लख लख बधाई गुरपुरब दी जिवें कि अज गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब मनाया जा रहा ते की कहना चाहोगे संगत नूं कि गुरु महाराज सारे उपर अपनी कृपा बख्शन सारे जिन्नी भी संगत दा दर्शन करन आई है सारे दे दर्शन चंगे भले होण सारे अपने तरीके दर्शन करके जान गुरु महाराज कृपा बख्शन सारे ते बिल्कुल जी जिवें गलबात की संगतां जिहड़ियां काफ़ी उत्साहित ने क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब आ और दसां गुरुआं तो बाद जिहड़ी आ जोत जिहड़ी आ गुरु ग्रंथ साहब जी नूं मन्निया गया और गलबात करांगे होर भी जिहड़ी सिख संगत मौजूद आ उहनां दे नाल हाँ जी भैन जी की नाम जी बहुत सोहना एटमोसफेयर हैगा इत्थे ते सब नूं बहुत बहुत वधाई होवे इस तों इलावा रात आतिशबाजी भी होनी है देख के जाओगे या दर्शन करके जा रहे बस दर्शन करके जा रहे हैं जी बस की कहना चाहोगे सिख संगत कि गुरु नाल जुड़ो गुरु दी आज्ञा दा पालन करो ते वाहिगुरु आपे फतेह करेगा बिल्कुल जी तुसीं सुनिया कि जिहड़ी सिख संगत इत्थे पहुँच रही है ये नहीं कि कल्ली अपने लिए अरदास कर रही है सरबत दे भले लई जिहड़ी आ अरदास बेनती जिहड़ी आ परमात्मा की कीती जा रही तस्वीरां देख रहे हो तुसीं कि लाइन जिहड़ी है इत्थों शुरू हो जाती है इत्थों लाइन शुरू होंदी है और अखीर तक जिहड़ी है संगत की श्रद्धा तुसीं देखो कि किस कदर लाइन दे विच लग के जिहड़े ने वो दर्शन किए जा रहे हैं और वड्डी गिनती दे विच जिहड़े ने वो श्रद्धालु नतमस्तक होने लई पहुँचे ने पवित्र सरोवर दे विच इशनान किया जा रहा इस दे नाल ही जेकर गल की जाए तो सरबत दे भले की अरदास की जा रही है खूबसूरत तरीके दे नाल सचखंड श्री हरिमंदर साहब ते दरबार साहब की परिक्रमा जिहड़ा वह खूबसूरत फुलों के नाल सजाया गया और 180 कारीगरां की जिहड़ी आ वह 4 दिन की जिहड़ी आ मेहनत लगी आ जिस दे विच लोग जिहड़े ने इस अलौकिक नज़ारे नूं वेख के गदगद हो रहे हैं
और गलबात करते हैं जो लोग बाहरों आए हैं उन्होंने नाल भी। हाँ जी मैम, क्या नाम है? थैंक यू। कुछ लोग जड़े ने गलबात कर तैयार नहीं क्योंकि बाहरों टूरिस्ट जोड़ा आता है वो तो है ही, जो दुनिया के कोने कोने तो चल के जो टूरिस्ट आए हैं गलबात करते हैं होर भी संगत के नाल। फिलहाल तस्वीर थोड़े साझिया कर रहे हैं इस वक्त सचखंड श्री हरिमंदर साहब की परिक्रमा दी, जिवें देख रहे हो कि बड़ी श्रद्धा ने नाल लाइन के लग के जड़े ने वो दर्शन दिदारे वो किए जा रहे हैं। बेशक गर्मी है पर संगत जी गर्मी की परवाह बिना किए हुए जी है वो दर्शन होने पहुंची और सेवादारा वालों लाइना के लगी जी संगत आ उन्होंने जल्दी सेवा जी वो की जा रही है। गलबात भी करा इतने जोड़े होर श्रद्धालु मौजूद ने उन्होंने नाल। हाँ जी भैन जी, की नाम जी? रजनी। कितों आयो? असी रोहतक तो हरियाणा तो। पहली बार दर्शन कर रहे हो जो पहला भी? नहीं, असी बड़ी बार आ चुके हैं। लौकिक नज़ारा देखने मिल रहा, खूबसूरत फुलों के नाल सजाया गया, किवें दा महसूस? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा इत्थे आके। जिहड़ियां संगतां नहीं आ सकियां की कहना चाहोगे उन्होंने? ओ उन्होंने भी बाबा जी बुलाएंगे। हाँ जी। हाँ जी वीर जी, की नाम? मेरे गुरप्रताप सिंह। कि जगह तो आए? अभी मेरे चिरागशाले तो आए, कोटी सिंह तो। किवें दा महसूस हो रहा अज सचखंड साहिब दे दर्शन कर? बहुत वधिया हो रहा है, अं ना वैसे हर एतवार आने होंगे ना, सू 3 साल हो गया अजू तो। हाँ जी, हाँ जी सजावट बहुत वधिया हुई है पर हर एतवार के आने आने हैं तो अगे भी आने रहेंगे इस वेल। बिल्कुल जी, तुम्हें देखा कि जो कुछ श्रद्धालु ने लगातार जो दर्शन करने पहुँचते रहते हैं और सब तो वड्डी गल है कि सेवा भावना तुम देखो जी संगत लाइना के लगी हुई है उन्होंने जोड़ा जल जड़ा वो सेवादार वालों लगातार निरंतर जोड़ा छकया जा रहा जो किसी तरह की कोई घबराहट जी ना हो सिर्फ जोड़ा तुम इतने देखने मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, की ना जी? सुखमनप्रीत कौर। मन जी, अज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा, की संदेश देना चाहोगे सिख संगत? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि एकजुट होकर बस वध तो वध नाम जपो, गुरबाणी पढ़ो, बस गुरु साहिब जी दीयां खुशियां प्राप्त करो। अज खूबसूरत फुलों के नाल जिहड़ी सजावट की गई है, की कहना चाहोगे? यह तो जी वेखो मर्जी आ गुरु साहिब की, सारी संगतां की अपनी मौज आ जिवें भी आ बस। बिल्कुल जी, जिवें कि गलबात की और संगत जड़िया ने सब तो वड्डी गल कि जिस नाल भी गलबात की है सरबत दे भले की अरदास की गल कर दिया ने, जरूरी कोई निजी स्वार्थ नहीं किसी का, हर एक संगत वालों जोड़ा वो सरबत दे भले की अरदास की गई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सब तो वड्डी गल कि ढुकवें प्रबंध किए गए हैं जिते संगत खड़िया ने लाइन में लगिया होने तो पखे जड़े लगाए गए हैं, इस तो अलावा जल्द सेवा जी वो वड्डे पद्धर से की जा रही है। बेशक गर्मी है पर संगतों के इस उत्साह जोड़ा इस कदर है कि वड्डी गिनती दे विच लोग जोड़े ने लखां की गिनती पहुँचे हुए हैं, लखां की भी गिनती जी घट हो सकती है क्योंकि जेकर वेख्या जाए तो कोई गिनती करनी ही औखी है। गुरु महाराज के घर के खुशियां प्राप्त करने जी संगत उचेचे तौर पर पहुंची है और तस्वीर थोड़ा इस वक्त सचखंड श्री हरिमंदर साहब दियाँ साझियां कर रहे हैं जिते कि वड्डी गिनती दे विच लोग दर्शन करने पहुँचे ने। अज गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश उत्सव जोड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मनाया जा रहा और सजावट जी फुलों की जी की गई है। बेशक पहले भी सजावट की जाती पर इस बार जी फुलों की सजावट की गई है, आई हुई संगतों के मन में जी मोह रही है, एक वक्रा सुकून देती है, फुलों की जी पिनी खुशबू है इस जरा होर भी जरा संगत का जो ध्यान गुरु महाराज के पास वो जुड़ता है और श्रद्धा तो वेखते ही बनती है कि लोग वही गिनती के जोड़े ने नतमस्तक होने पहुंचे ने। गलबात करा एक बुजुर्ग साढ़े मौजूद है। हाँ जी माता जी, की नाम जी? परमजीत। माता जी कि जगह तो आए? फिरोजपुर तो। माता जी, अज गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दिवस मनाया जा रहा और खूबसूरत फुलों की सजावट की गई, की कहना चाहोगे? बहुत खुशी का मौका है, अपने गुरु का जन्म दिहाड़ा है। हाँ जी, हाँ जी, की नाम है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह जी। किस जगह तो आए? मैं रागी सिंह अंदर दरबार साहब। अज गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा, की कहना चाहोगे सिख संगत? सारिया संगतान साढ़े रागी सिंह सभा वालों बधाइया है गुरु ग्रंथ साहब महाराज के पहले प्रकाश पुरब दियाँ, गुरु साहब ने बड़ी कृपा की। अमरप्रीत सिंह जी। कितों आयो? ये जलंधर तो जी। अज अलौकिक नज़ारा वेखन मिल रहा, खूबसूरत फुलों के नाल सजाया गया, पहला प्रकाश पुरब भी है गुरु ग्रंथ साहब जी का, की कहना चाहो? असं कहना चाहवागे गुरसंगतों को बहुत बहुत बधाई पहला तो गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले गुरपुरब की पहला नहीं है तो इस मुताबक देखो तुम कट देखो कि उत्साह हैगा लोगों के बीच भी असी आ के दर्शन करिए। सब तो वड्डी चीज़ है जो भी कोई भी जिस तरह कोई गुरु जी का जन्म होंगे जो कुछ भी रहता है तो अंदर जलोह के दर्शन होंगे ने जोड़ी बहुत वधिया चीज़ हैगी है
ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰ ਆ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ? ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਭੜਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਭੜਕਣਾ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਆਪਣੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਸੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਪਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਦਗਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਰਧਾਵਾ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਲਈ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਥੀ ਦੀਪਕ ਬਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ।